अभी तो पहली तारीख तक वो और भी कुछ बोलेंगे, उनके ऊपर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई, उसे हम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब भी गठबंधन हुआ है तो ये विनाशकारी साबित हुआ है। देखिए, बेमेल गठबंधन जो होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। समाजवादी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस को खत्म करके ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तब तक कांग्रेस उभर नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बंद कमरे में सब एक दूसरे को गाली देता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वह सोच समझ के बोला है। योगी आदित्यनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। कहावत है, चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग घोटालों में, घोटाले पे घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी को बेईमान ठहराना चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का जीवन एकदम गंगोत्री के जल की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी का जीवन, उनके जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र की मिट्टी को समर्पित है। सूरज पूरब से पश्चिम निकल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन पर बेईमानी का दाग नहीं लगाया जा सकता। पूरा विपक्ष राम से नफरत करता है, अयोध्या से नफरत करता है, इसीलिए वो आज तक अयोध्या नहीं गए। राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधा, जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे उतने रोड़े पिछले 50-60 सालों में अटकाए गए। राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला हुआ उसके बाद भी विपक्ष के पेट में दर्द होता रहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया जाना, राम मंदिर ना जाना, राम के नाम से घृणा करना, जो राम मंदिर जाता उसे पार्टी से निकाल देना, ये राम द्रोह है। और कांग्रेस का यही राम द्रोह राष्ट्रद्रोह बन गया है, जिसका पता 4 जून के बाद लगेगा। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरह पलट दिया जाए, ये इनके मंसूबे हैं। ये 370 दोबारा लागू करना चाहते हैं, ये राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सत्य के साथ खड़ी है, राष्ट्र के साथ खड़ी है, सनातन के साथ खड़ी है। मैंने ना किसी के खिलाफ बोला है ना किसी के पक्ष में बोला है, मैंने जो बोला है वो सच बोला है। मैं कल भी सत्य के साथ था, आज भी सत्य के साथ हूं, और मैं हमेशा सच और कड़वी बातें बोलता रहूंगा। लेकिन वो बातें जो देश के हित में है, वो बातें जो सनातन के हित में है, मैं किसी भी सियासत और सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए राम और राष्ट्र से कभी समझौता नहीं कर सकता।